हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज से हम नई ओपनिंग शुरू कर रहे हैं विनिंग विथ e4। मतलब e4 से आपको गेम स्टार्ट करना है, उसके बहुत सारी ओपनिंग्स मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन वीडियो में। e4 के सामने कितने सारे ऑप्शन होते हैं ब्लैक के लिए। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर e4 ही खेलना पसंद करते हैं, लेकिन उनके लिए दिक्कत ये होती है कि अपोनेंट क्या खेलेगा उसके बारे में कुछ पता नहीं है। हमने e4 किया, यहाँ पे ब्लैक e5 खेल सकता है नॉर्मल वेरिएशन, e6 भी खेल सकता है, d6 यानी e6 यानी फ्रेंच डिफेंस, d6 c6 कैरोकान भी खेल सकता है, सिसिलियन भी खेल सकता है, आलेखाइन गैम्बिट भी खेल सकता है। तो इतने सारे जो मूव्स है ब्लैक के पास, इतने सारे जो रिप्लाई है, उसके सामने हमें अटैकिंग खेलना है तो कैसे खेलेंगे, इसके बारे में मैं आज से आपके लिए नए वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। जो पहले हम शुरुआत करेंगे मोस्ट फेमस ओपनिंग सिसिलियन। ब्लैक प्लेयर्स ज़्यादातर सिसिलियन ज़्यादा पसंद करते हैं e4 अगेंस्ट। तो वन बाय वन सिसिलियन के सामने वाइट से हम कैसे खेलेंगे अटैकिंग। हालांकि मैंने ऑलरेडी पहले सिसिलियन अगेंस्ट, हाउ टू प्ले अगेंस्ट सिसिलियन के वीडियो बनाए हैं, जिसमें मोरा गैम्बिट मैंने बनाए थे। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो जिसमें मोरा गैम्बिट के बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया आपको। लेकिन आज मैं आपको कोई गैम्बिट लाइन नहीं सिखाऊंगा, सिंपल लाइन है नाइट c3 क्लोज सिसिलियन वेरिएशन। हम ब्लैक सिसिलियन अगर खेलता है तो हम क्लोज सिसिलियन वेरिएशन खेलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं e4 c5 देन सेकंड मूव नाइट c3। ये है क्लोज सिसिलियन मेन लाइन। अब यहां से अलग अलग टाइप के ब्लैक के पास जो रिप्लाई है उसके बारे में बैक टू बैक हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और आपको उसमें एकदम मास्टरी आ जाएगी। तो पहले मैं दिखाऊंगा आपको ब्लैक फियांचट्टो द किंग साइड बिशप। जो किंग साइड का बिशप है वो फियांचट्टो ब्लैक करके खेलते हैं, जिसे ड्रैगन वेरिएशन भी कहा जाता है। तो फियांचट्टो में क्लोज सिसिलियन जब आप खेलते हो, NC3 के सामने मोस्ट रिप्लाई नाइट c6 ही होता है। नाइट c6 के बाद हम अगर क्लोज सिसिलियन में यहां पे g3 खेलना है, ब्लैक रिप्लाई देगा g6। दोनों का फियांचट्टो बिशप इसमें होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। बिशप g2, बिशप g7 एंड d3, ये कॉमन मूव है। कई बार मूव ऑर्डर चेंज करके भी ये पोजीशन आती है, जैसे कि मूव ऑर्डर हम चेंज करके देख लेते हैं कि e4 c5 नाइट c3, यहाँ पे ब्लैक पहले भी g6 कर सकता है, तब भी हमें g3 करना है। उसके बाद बिशप g7, वाइट प्लेस बिशप g2, नाइट c6 और d3, आ गया हमारा पुराना स्ट्रक्चर। अब इसके आगे क्या करना है, इतने मूव्स पहले आपको एकदम रट्टा मार देने, मतलब एकदम पक्का कर देना है। इसके बाद ब्लैक के तीन रिप्लाई आप अपनी बुक में अलग अलग वेरिएशन नोट करके बना सकते हो पूरी ओपनिंग, जिसमें ये पहले पांच मूव आपको, जो पहले फोर मूव है और व्हाइट का जो फिफ्थ मूव है, इतना लिख के एक साइड में रख देना है। फिर तीन कॉलम बना देने हैं, वेरिएशन ए कैपिटल ए, वेरिएशन बी कैपिटल बी एंड वेरिएशन सी। अब वेरिएशन ए में आप हेडिंग दे सकते हो e6 ऑन फिफ्थ मूव, वेरिएशन बी में रुक b8 ऑन फिफ्थ मूव, और वेरिएशन सी d6 ऑन फिफ्थ। अब तीनों मूव में गेम अलग अलग तरीके से जाएगी, खास ध्यान रखो तीनों मूव में गेम का एंडिंग या मिडल अलग पोजीशन में होगा,
पर परफेक्ट मूव आपको मैं बताऊंगा। e6 पहले हम देखेंगे वेरिएशन ए, ब्लैक प्लेस e6, यहां पे आपको खेलना है बिशप e3। आपको मैं अर्ली कई बार क्लोज सिसिलन में एक रिकमेंड करता हूँ कि इतने सारे मूव्स ऑर्डर होने से पहले आप बिशप e3 और क्वीन d2 करके भी खेल सकते हो, ये ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन हम अभी बुक टू बुक जा रहे हैं, इसलिए मैं अपने मूव्स आपको ज़्यादा कंफ्यूजन के लिए नहीं बताऊँगा। यहाँ पे Nd4, अगर ब्लैक ने खेला Nd4 तो ये ब्लैक के लिए थोड़ा अनक्लियर मूव है। यहां आपको रिप्लाई देना है Nce2, ना कि Nfe2, Nge2 नहीं करना है, Nce2 करना है। Nce2 के बाद ब्लैक रिप्लाई देगा Ne7। अब Nce2 किस लिए मैंने बताया आपको कि Nce2 के बाद आप नाइट को c3 करके भगा सकते हो। तो हमारा अगला मूव यही होगा, आफ्टर Ng7 आपको खेलना है c3। अब ज्यादा प्लेयर नाइट एक्सचेंज कर लेते क्योंकि एडवांस आने के बाद पीछे लेना ये ज्यादा अच्छी मूव नहीं होती है। तो नाइट Ce2 एंड हम नाइट टेक्स e2 करेंगे। इसके बाद डार्क स्क्वायर लाइट स्क्वायर बिशप खोलेगा d6 से। परफेक्ट स्ट्रक्चर है दोनों के लिए। यहां आपको सेंटर ब्रेक करना है d4। d4 के बाद c takes d4, knight takes d4, ब्लैक कैसल करेगा, व्हाइट भी कैसल करेगा और a6। 12 मूव हो गई दोस्तों, 12 मूव, और इसमें a6 के रिप्लाई में आप खेल सकते हो Qd2। अब व्हाइट के पास एकदम इजी प्लान है और कंफर्टेबल है क्योंकि d6 पॉन यहां पे वीकनेस है, उसके ऊपर आप प्रेशर बना सकते हो। नेक्स्ट जो वेरिएशन है, मतलब इसी में फिफ्थ मूव में हम चेंज करके देखते हैं, e4 c5 knight c3 सेकंड मूव g6, हम मूव ऑर्डर चेंज करके बता रहे हैं। थर्ड मूव g3 बिशप g7, फोर्थ बिशप g2, Nc6 और d3, एकदम याद रह जाए इतनी मूव है दोस्तों एकदम। अब फिफ्थ मूव में हमने देखा कि e6 वाला वेरिएशन, अभी देखा e6 इसलिए कि Ng e7 आके डेवलप होता है। अब देखते हैं रुख b8, आइडिया बिहाइंड दिस मूव b5 b4 और यहाँ पे नाइट पे प्रेशर बनाने। रुक b8 के सामने हमारा रिप्लाई सेम होगा, बिशप e3, Nd4, इसमें भी आपको खेलना है Nce2। अब देखो आप सोचोगे कि इसमें तो हमारा एक पॉन लॉस हो रहा है, जैसे कि नाइट टेक्स e2, बिशप g7, बिशप b2, पर डेवलप में हम बहुत आगे हो जाएंगे रुक b1 से। आफ्टर बिशप g7 और आपको यहां पे बिशप टेक c5 वाला पॉन मिल जाएगा और यहां भी कोई दिक्कत नहीं है व्हाइट को खेलने के लिए। ब्लैक रिप्लाई देगा d6 और यहां पे बिशप टेक्स पॉन भी कर सकते हो, बिशप e3। बिशप टेक्स पॉन अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि बिशप टेक्स पॉन में
क्वीन ए फाइव चेक और आपका बिशप ट्रैप हो रहा है। तो इसमें आप एक मूव वेट करके कैसल करके आपको खेलना है। दोस्तों वेरिएशन नंबर थ्री देखते हैं जिसमें डी सिक्स, तीनों में आप देख सकते हो कि अलग अलग गेम जा रही है हमारी, उसकी अलग अलग तैयारी करनी पड़ेगी आपको। अब देखते हैं थर्ड वेरिएशन जिसे हमने नाम दिया है सी वेरिएशन, ई फोर सी फाइव नाइट सी थ्री एन सी सिक्स जी थ्री जी सिक्स बिशप जी टू बी जी सेवन डी थ्री और यहाँ पे मूव चेंज करते हैं और हम खेलते हैं डी सिक्स सी वेरिएशन। हमारे तीनों वेरिएशन में थर्ड मूव बिशप ई थ्री ही है, इसलिए आपको मूव रेडी करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सी वेरिएशन में थोड़े लॉन्ग कैलकुलेटेड है, मतलब ज़्यादा दिक्कत वाली मूव है, नाइट एफ सिक्स, ब्लैक खेल सकता है ई फाइव ऑल्सो, रुक बी एट भी खेल सकता है। रुक बी एट में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये वाली लाइन हमने ऑलरेडी देख ली है, रुक बी एट या फिर ई सिक्स, पर मोस्ट कॉमन मूव है नाइट एफ सिक्स। नाइट एफ सिक्स के सामने आपको एच थ्री करना है, उसके बाद ब्लैक खेलेगा ई फाइव और नाइट जी ई टू, ब्लैक कैसल, यहां पे व्हाइट भी कैसल करेंगे और नाइट डी फोर, नाइट डी फोर के सामने यहां से आप ब्रेक करके खेल सकते हो एफ फोर, कोई रिस्क नहीं है दोस्तों, कोई भी रिस्क की लाइन नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एफ फोर खेलने में। आफ्टर रुक बी एट क्वीन डी टू, अब आइडिया क्या है, एफ टेक्स मारने के बाद बिशप एच सिक्स एक्सचेंज करना है हमें, नाइट ई एट, यहां पे आपको रुक एफ टू सिंपल और रुक डबलिंग का प्लान करना है, ऐसे भी आप खेल सकते हो। इससे इसके बाद में आपको अब बताऊंगा एक एंड गेम, बहुत ही बेहतरीन एंड गेम दोस्तों। ये ओपनिंग सिसिलियन हाउ टू प्ले ई फोर विनिंग विथ क्विकली इन ई फोर, आप एक बुक बना लीजिए विनिंग क्विकली विथ ई फोर और ई फोर की सारी लाइन में आपको बताऊंगा। अब हम देखते हैं एंड गेम और ये आपकी सिसिलियन और उसको नाम दे सकते हो क्लोज सिसिलियन। क्लोज सिसिलियन के आपके पास तीन वेरिएशन आ चुके हैं, आगे जानेंगे हम इससे भी ज़्यादा वेरिएशन। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हर एक वीडियो मेरा बैक टू बैक आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक करने से आपके लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए ट्राई करता हूँ। तो चलिए देखते हैं बेस्ट एंड गेम। दोस्तों ये पोजीशन आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया एंड गेम है ये। पहले अपना बोर्ड सेटअप कीजिए, बोर्ड के ऊपर ये पोजीशन लगाइए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइट मेरी साइड है बॉटम में, जिसमें वन मूव में ब्लैक की जो क्वीन है यहाँ पे प्रमोट हो रही है। अगर वाइट ने रूक टेक्स रूक किया तो भी यहाँ पे ब्लैक अपनी क्वीन बना के आपको डायरेक्टली चेक दे सकता है और ब्लैक के पास विनिंग मतलब ब्लैक एकदम विनिंग के नज़दीक में है। यहाँ से आपको गेम खींच लेनी है अपनी और बेस्ट मूव ढूंढना है, सबसे बेस्ट मूव क्या है। तो वीडियो पोस्ट कर दीजिए और अपने हिसाब से 15-20 मिनट सोचिए और उसके बाद अब मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। सबसे पहला मूव है वाइट की ओर से, दोस्तों पहले आप ट्राई कीजिए, डायरेक्ट आंसर मत दिखिए,
15-20 मिनट सोचिए इस पोजीशन के ऊपर। बेस्ट मूव है रुक d2, रुक सेक्रीफाइस करना है। रुक d2 करने से अगर ब्लैक पॉन प्रमोट करता है और क्वीन बनाता है, अगर ब्लैक क्वीन बनाता है तो यहां पे रुक b2 चेक आएगा। अगर किंग a1 जाता है तो यहां पे रुक h8 चेकमेट। और अगर किंग c1 जाता है तो रुक c8 चेक, क्वीन इंटरपोज और रुक टेक्स क्वीन चेकमेट। तो यहां पे आपने देखा कि अगर ब्लैक क्वीन बनाने की ट्राई करता है तो सिंपल नेक्स्ट मूव में आप चेकमेट करते हैं। तो ये थी हमारी रुक d2 की मूव। अब देखते हैं ब्लैक अगर आपके रुक को कैप्चर करता है तो क्या होता है, क्योंकि ब्लैक तो जानता है कि मेरी मेट होने से अच्छा है मैं रुक मार दूं और नेक्स्ट मूव में मैं क्वीन बनाऊंगा। तो यहां पे ब्लैक अगर रुक टेक्स करता है तो यहां आपको करना है रुक h1 चेक। ब्लैक के पास एक ही ऑप्शन है रुक d1। अब जो मूव है वो बहुत ही ब्रिलियंट मूव है, बहुत ही ब्रिलियंट। यहां पे आपको खेलना है रुक e1 लाइन ब्लॉकिंग। मैंने मिडल गेम में एक चैप्टर बनाया था लाइन क्लोजिंग का और स्क्वायर वेकेशन का, उसके बारे में ये है। रुक e1 के बाद ब्लैक आपके रुक को कैप्चर करता है तो यहां पे आपको खेलना है पॉन e7। ब्लैक सोचता है कि मैं रुक हटा दूं, मेरे पास रुक तो है ही, उसकी भी क्वीन बनेगी और मेरी भी क्वीन बनेगी और मैं प्लस हो जाऊंगा। पर यहां ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपनी क्वीन बनानी है। ब्लैक अपनी क्वीन बनाएगा और उसके बाद फिर से आप क्वीन g6 से चेक दोगे। यहां भी चेकमेट है दोस्तों, आप देख सकते हो अगर क्वीन c1 जाता है तो क्वीन c2 चेकमेट, और अगर किंग a1 जाता है क्वीन a6 चेक, आफ्टर क्वीन a5 क्वीन टेक्स a5 चेक, किंग b1 क्वीन a2 चेक, किंग c1 और क्वीन c2 चेक। तो कैसी लगी आपको ये एंड गेम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। जल्द ही मिलेंगे मेरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय गुजरात।